नमस्कार, मैं साहिल मित्तल आप सभी का मनोज आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा विषय रहेगा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, जिसे हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे। संदर्भ के हिसाब से देखें तो अर्थशास्त्र एक इतना महत्वपूर्ण विषय आज के दौर में बन गया है, जो आज की करंट अफेयर्स के तौर पर, आपकी सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पर हर तरफ आपके पास काम आ रहा है। संसार का कोई भी वर्ग हो, पैसे यानी धन के अलावा वो कभी भी सोच नहीं सकता। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे ही फेल होनी शुरू हुई तो वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आनी शुरू हुई। आखिर ये शब्द, आखिर ये सारी की सारी परिभाषाएं क्या होती है, किस तरह की होती है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। मैंने लिखा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ओइकोस प्लस नोमोस से बना है, और नोमोस का मतलब होता है स्टडी, और ओइकोस का मतलब होता है होम या पॉलिटिकल होम के तौर पर जाना जाता था। यानी कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर अर्थ यानी धन को राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर अध्ययन किया जाता है, इसके तौर पर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की उद्भव हुआ। इसके अंदर आप दो चीजें पढ़ते हैं अक्सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक शब्द होता है माइक्रो और एक शब्द होता है मैक्रो। माइक्रो शब्द का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंदर सभी की सभी चीजें समावेश की जाती है, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जिन चीजों के अंदर केवल और केवल सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर काम किया जाता है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास एक व्यक्ति क्या डिमांड करता है, क्या मांग करता है, एक व्यक्ति किस तरह की सप्लाई करता है, एक व्यक्ति यानी पूर्ति, और एक व्यक्ति की जहां मांग और पूर्ति जहां फलन बनती है, जहां पर क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं कीमत प्रभाव। और कीमत प्रभाव का मतलब प्राइस इफेक्ट, और ये जो पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट बनता है वो एक बाजार केंद्रक के तौर पर बनता है, जिसे मैं कहता हूं मार्केट, जिसे मैं विपणन या आसान अर्थों में बाजार भी कहता हूं। अब बात आती है कि डिमांड कौन करेगा, बात आती है सप्लाई कौन करेगा। तो डिमांड करने वाला जो होता है वो होता है कंज्यूमर। क्या होता है जी? कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, जो पर्सन किसी वस्तु का उपभोग करने की चेष्टा रखता है। सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। संसार के अंदर सभी लोग किसी न किसी चीज के उत्पादक है, और सभी लोग किसी न किसी चीज के उपभोक्ता हैं। अगर आप किसी तरह से किसी से दाल खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, तो उसे भी अपने घर में किसी न किसी वस्तु की जरूरत होती है। उसे अपने घर खरीदने से लेकर तमाम तरीके की आवश्यकताएं होती है जिसकी वो पूर्ति करता है, और उन सबकी पूर्ति जहां पर होती है उसे कहते हैं बाजार। और इसी बाजार के ऊपर एक वित्तीय व्यवस्था बैठा दी जाती है, जो आपके पास नियमित भी हो सकती है और अनियमित भी हो सकती है, औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है, वो रेगुलर या इरेगुलर बेस पर भी हो सकती है, या फिर वो आपके पास फॉर्मल या इनफॉर्मल कैटेगरी की भी हो सकती है। अगर आपके पास ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपके पास कोई भी इसके ऊपर बना हुआ है, जिसे मैं हिंदी में बोलता हूं वित्तीय संस्थान, तो मान लीजिए किसी भी बाजार के अंदर कोई भी दुकान खुली हुई है, और दुकान खोलने वाले के पास यदि पैसा नहीं है तो क्या वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता है? क्या एक्सपेक्टेड या एंटीसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न का कोई मामला नहीं है? तो बिल्कुल है, जो कि जेएम कीन्स ने अपनी थ्योरी में भी लिखा, और आज हिंदुस्तान के समेत तमाम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भी इस तरह की बातचीत बराबर मात्रा में चलती है। इसी के अंदर जब वित्तीय संस्थान की बात करते हैं तो आपके पास एक बात आती है आरबीआई, और आरबीआई आपके पास एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करती है, यानी कि रोजगार के ऊपर बात करती है। आरबीआई आपके पास इंटरेस्ट रेट की बात करती है, यानी कि आपके दर की बात करती है, जिस ब्याज दर की बात करती है, जिसके अंदर आपने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर इसके साथ साथ SLR, CRR के तौर पर तमाम चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो इसका मतलब ये जो बड़े बड़े काम है, एम्प्लॉयमेंट का काम है, इंटरेस्ट रेट का काम है, या फिर पर कैपिटा इनकम,
निकालने का अगर काम है, पर कैपिटा इनकम जिसे मैं बोलता हूं प्रति व्यक्ति आय, ये जो तमाम कार्यशैली है और इसी के अंदर आपके पास मुद्रा, मुद्रा का विभाजन, मुद्रा के काम, जितने भी चीजें आपके पास आती हैं वो भी सारी चीजें इन्हीं चीजों के भीतर आती है। और ये जो बड़े बड़े काम होते हैं जिसके अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे से, दूसरा इंडिविजुअल तीसरे से, तीसरा चौथे से मिलकर बनता है, इसे ही समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इन तमाम बिंदुओं के अलावा भी कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होती है, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट क्या होती है, और इन्हीं विनिमय मुद्रा की प्रणालियों को समझने का काम करेंगे कि डॉलर या यूरो की जो घटती बढ़ती जो सीमांतर सीमाएं हैं वो हमारे देश की अपनी अर्थव्यवस्थाओं को किस तरह से प्रभावित करने का काम करती है। तो इन्हीं सारे चीजों को इसके अंदर देखना है, न केवल इन चीजों को। अब हमारे देश के अंदर बहुत सारे इस तरह के सेक्टर है और उन सेक्टर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा जो रोजगार देने वाला जो सेक्टर है वो है रेलवे। तो रेलवे आखिर किस तरीके से, कहां से इसका जन्म हुआ, कहां से ये आई थी, क्यों रेलवे को लाइफ लाइन कहा जाता है, कितनी चीजों के बारे में रेलवे भारत की इकोनॉमी को चलाने का सीधा सीधा दारोमदार रखती है, सैन्य बल से लेकर और कितनी ही छोटी छोटी व्यापारिक और वाणिज्यिक क्रियाकलापों को बढ़िया ढंग से करने के लिए किस तरह से रेलवे आपके पास काम करती है। रेलवे के बाद आपका अगला सेक्टर जो आता है वो आपके पास आता है एनर्जी सेक्टर, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र के तौर पर हमारे पास ये एनर्जी सेक्टर आता है। इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कि कैसे आपके पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत कैसे हमारे पास काम कर रहे हैं और कैसे हम क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर, कोपेनहेगन प्रोटोकॉल से लेकर और पिछले दिनों में हुई अनेक तरह की समिट को किस तरह से हम निभाने का भी प्रयास कर रहे हैं, और 2025 हो, 2030 हो या 2035 के कितने सारे ऐसे मानक है जिन्हें भारत पूरा करना चाहता है लेकिन विश्व के बड़ी महाशक्ति भारत का कहीं कहीं साथ अगर नहीं देते हैं तो वहां पर किस तरह से WTO से लेके प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हमारे पास काम करते हैं, हमारे बीच में आने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों में ही इसी कोरोना काल के अंदर हमने बढ़ती भूमिका देखी WHO की, इससे पहले हमने जो भूमिका देखी WTO की, इससे पहले हम देख चुके हैं यूनेस्को की, तमाम तरह की योजनाएं आपके पास बनती है जिसके अंदर केंद्र सरकारों को न केवल अपने ही देश की राज्य सरकारों और तमाम क्षेत्रीय ग्रामीण सरकारों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है बल्कि उसके अलावा भी विदेश नीति को एक बहुत अच्छे ढंग से निभाते हुए सोशलिस्ट इकोनॉमी, सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवाद की अर्थव्यवस्था से लेकर और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बहुत ही तरीके का कूटनीतिज्ञ संबंध रखना होता है। इन तमाम चीजों को अगर हम अर्थशास्त्र के ढर्रे में डालें तो आपके पास ये समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर के टॉपिक बनते हैं और उसी के साथ साथ आपके पास यहां से बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न बनते हैं जिसके अंदर एनालिसिस यानी विश्लेषण संबंधी प्रश्न भी आपके पास यहां से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसका अपना एक अलग से पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर से किस तरह से चीजें पढ़ी जाएं, कैसे कैसे चीजें आपके पास आती हैं, उन तमाम चीजों को हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।